खबर है बाड़मेर के चौहटन से, जहां चिकित्सकों की लापरवाही के चलते मासूम की मौत। समय पर इलाज नहीं मिलने से मासूम की जान चली गई। बता दें कि तड़प तड़प कर 5 साल के बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। सर्पदंश से पीड़ित ये बच्चा था। परिजन रात भर डॉक्टरों के क्वार्टर्स के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अंततः बच्चे की जान चली गई। आक्रोशित परिजनों ने सीएससी पर धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए। चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उपखंड पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद भी था। चिकित्सकों की लापरवाही से एक बच्चे की जान जाने से जुड़ा मामला सामने आया। समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्चे की जान चली गई। ये कहना है परिजनों का। तड़प तड़प कर 5 साल के बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। अधिक अपडेट के साथ समरता कमलेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए, एक बच्चे की मौत से जुड़ा हुआ प्रकरण सामने आया है, लेकिन ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि लापरवाही का आरोप यहाँ चिकित्सकों पर लगाया जा रहा है। फिलहाल क्या पूरी जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई? जी जयंती, मैं बताना चाहूंगा, ये चौहटन मुख्य कस्बे की घटना है, जहां पर देर रात्रि को एक बालक को सांप द्वारा काटा जाता है। वही उसको लेकर जब उसके परिजन चौहटन सीएससी लाते हैं, लेकिन सीएससी पहुंचते वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं होता है, और ना ही उन पर परिजनों को किसी भी प्रकार की कोई इलाज में सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही जो मृतक के परिजन, वो कई बार जो डॉक्टरों के क्वार्टर है उनका चक्कर लगाते हैं, फिर भी डॉक्टर नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ पर सीएससी लाने के बाद करीब 30 से 35 मिनट बाद बच्चा दम तोड़ देता है। वही इसको लेकर आज जो मृतक के परिजन है तथा उनके जो समाज के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में अभी भी चौहटन सीएससी के आगे धरना जारी है। और परिजनों की यही मांग है कि जो भी इस मामले में आरोपी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इसको लेकर जब बाड़मेर के जिला सीएमएच है, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, और उनकी इसको लेकर पूरी मामले की वार्तालाप अभी भी जारी है। जी चलिए कमलेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।